नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जो एक नंबर के फेक है, फ्रॉड है, हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर फेक न्यूज फैलाते रहते हैं और अपनी हर एक वीडियो पे बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है, मोदी ऐसा है वैसा है, कुछ करता नहीं है, गलत है, इस तरीके की बातें बोलते रहते हैं, इस तरीके की नारेबाजी करते रहते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ध्रुव राठी के बारे में, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिनके यूट्यूब पे 4 मिलियन से ऊपर के सब्सक्राइबर्स हैं। ध्रुव राठी की हर एक वीडियो में, चाहे वो किसी भी टॉपिक को लेकर बात कर रहे हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं से बीजेपी को जरूर ले आते हैं बीच में और जरूर ले आते हैं मोदी को बीच में और फिर बोलने लगते हैं कि मोदी देश के लिए कुछ करता नहीं है, बीजेपी सरकार देश के लिए कुछ करती नहीं है। अपनी हर एक वीडियो में ये अर्णव गोस्वामी को भी बीच में लेकर आते हैं। खैर, इन्होंने अर्णव गोस्वामी के ऊपर तो अलग से वीडियोज बना रखी है अपने चैनल पर जिसमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि अर्णव गोस्वामी गलत है, जबकि मैं बताऊं आपको अर्णव गोस्वामी एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने एंड तक हमेशा सुशांत सिंह राजपूत के केस में बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दो। जब बाकी सारे न्यूज़ चैनल सो रहे थे ना, तब भी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करी थी कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दो, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दो, इस तरीके की बात वो करते रहते थे। अब ये ध्रुव राठी खुद तो अपने चैनल पर कुछ बोलते नहीं है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में और ये उल्टा अर्णव गोस्वामी को टारगेट करते हैं वीडियोज़ बना बना के कि वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, तो आप क्यों नहीं बोलते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में? खैर, ये कैसे बोलेंगे, ये तो अपनी वीडियो में बोलते हैं कि रिया चक्रवर्ती को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो मुद्दा नहीं बनाए रिया चक्रवर्ती को, एक लड़के को मार के वो भाग गई और उसको मुद्दा भी नहीं बनाया जाए, ये भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती को मुद्दा भी मत बनाओ। ये अपनी वीडियो में बताते हैं, कंगना रनौत को गलत बताते हैं और बोलते हैं कि उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, मुझे भी दो। तो भाई आप ये तो देखो कि कंगना रनौत कहां है और आप कहां हो, उनको सिक्योरिटी की जरूरत है, आपको तो नहीं है, आप अपने आप को उनसे कंपेयर कैसे कर सकते हो, पहले तो यही गलत चीज़ है, ठीक है ना? तो मेरे को ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। इनकी वीडियो में ये हमेशा बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अनबायस्ड हूँ, मैं तो किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ना ही किसी को पसंद करता हूँ ना ही किसी को नापसंद करता हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हर एक वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि ये बीजेपी को सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं, हेट करते हैं और ये सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, यानी कि मतलब बीजेपी के अलावा तो ये सबको ही पसंद करते हैं, खैर, और बीजेपी को सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं और हमेशा कहते रहते हैं कि मैं अनबायस्ड हूँ, जबकि ये बिल्कुल भी अनबायस्ड नहीं है, ठीक है। इनके खिलाफ जो भी वीडियो बनाता है, इनके खिलाफ जो भी बोलता है अपने चैनल पर आकर, तो उनको जान से मारने की धमकी देने लगते हैं इनके फैंस, कुछ सो कॉल्ड, क्योंकि मैंने ऐसा यूट्यूब पर ही सुना है कि जो भी इनके खिलाफ वीडियो बना के बोलता है तो इनके सो कॉल्ड फैन अगर उसको जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। खैर, मेरे को तो इन धमकियों से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि ऐसी धमकियाँ मिलती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि कोई भी अगर इनके खिलाफ बोलता है तो उसको ये बोलने लग जाते हैं कि फलाना तो मोदी भक्त है, मोदी का भक्त है, इसलिए मेरे खिलाफ इस तरीके की बातें कर रहा है। तो सर, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मोदी भक्ति आपके खिलाफ ऐसी बातें बोले, मैं तो कोई मोदी भक्त नहीं हूं, ना ही मैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट करती हूं, ना ही किसी पार्टी को हेट करती हूं, बट स्टिल आप ऐसा करते हैं इसीलिए आपके खिलाफ बोलना पड़ता है, ठीक है। तो आप किसी को यह मत बोलिए कि फलाना मोदी भक्त है, आप हो मोदी को हेट करते हो, तो आप अपने आप को बोलो मोदी भक्त यहां पर कोई नहीं है, एक नॉर्मल इंसान जिसको बोलने का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है, वो अपने चैनल पर आके बोल रहा है, ठीक है। तो उसको मोदी भक्त की संज्ञा देने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। ये बोलते हैं जो भी इनके ऊपर पर्सनल अटैक करता है, कुछ लोग हैं जो कि मतलब इनके खिलाफ बोल देते हैं अपने चैनल पर, तो वो व्यक्ति बहुत गलत हो जाते हैं, लेकिन ये खुद किसी के खिलाफ पर्सनल अटैक करे तो वो कुछ भी गलती नहीं है। ये खुद पर्सनल अटैक करते हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, इनके वीडियो में जाके आप देख लेना, वीडियो बना के रखे अर्णव गोस्वामी के खिलाफ पर्सनल अटैक करते हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सनल अटैक करे तो उसको जान से मारने की धमकी दे दो, जबकि इनके बस की कुछ है नहीं, ना ही इनके फैंस के बस की कुछ है, बस उनको जाके धमकी देते रहो कि हम तुम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जान से मार देंगे, इस तरीके की धमकियां उनको देते रहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे को लगता है कि इनका यही एक ये बोलते हैं कि ये खुद को दिखाना चाहते हैं अपने चैनल पर आकर कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब पता है, मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इनके तो आधे से ज़्यादा जो ये डेटा देते हैं, आधे से ज़्यादा जो ये स्टेटसेस दिखाते हैं अपने चैनल पर, वो ही इतने ज़्यादा आंकड़े ये गलत देते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो भाई अगर आप इतना बड़ा चैनल है आपका, 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो जो भी आंकड़ा आप बता रहे हो अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो में, कम से कम उसको रीचेक कर लो 3-4 बार कि आप सही आंकड़ा दे रहे हो या नहीं अपनी ऑडियंस को। इनके तो खुद के आंकड़े गलत होते हैं और फिर ये बोलते हैं दूसरों को। ये आंकड़े कैसे गलत है मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी दूंगी और तब आपको समझ में आएगा कि मैं इधर ठीक बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं है कि मैं उनको नापसंद करती हूँ तो उनके खिलाफ कुछ बोलूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो गलत चीज़ ये कर रहे हैं उसके खिलाफ मैं बोल रही हूँ,
रही हूँ यहाँ पर, ये अपने ऑडियंस को ऐसा अपने मतलब इन्होंने एक अपनी पर्सनैलिटी ऐसी दिखा ली है दोस्त अपने लोगों को कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मैं जो भी न्यूज़ देता हूँ वो बहुत ज़्यादा मतलब कलेक्ट करता हूँ बड़ी मुश्किल से, जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल रिसोर्सेज है वहाँ से, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इनकी फेक भी न्यूज़ भी इनकी फेक ही होती है अधिकतर, ये भी देखा गया है। और मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल देती हूँ, इन्होंने बोला था कोरोना वायरस वाली वीडियो में, अब जाके देख सकते हैं इनके चैनल पे होगी, इन्होंने उस वीडियो में बोला था कि कोरोना वायरस सिर्फ चाइना में रहेगा, चाइना से बाहर कोरोना वायरस नहीं आएगा। तो मुझे बता दो कि कोरोना वायरस चाइना से बाहर नहीं गया है क्या? नहीं आया है, भारत में नहीं फैला है, दूसरे देशों में नहीं फैला है, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल 100% कोरोना वायरस चाइना से बाहर नहीं जाएगा, तो नहीं गया है क्या? आप बताइए, गया है ना चाइना से बाहर? तो आपने अपनी वीडियो में तो बड़े ही श्योरिटी के साथ बोला था कि कोरोना वायरस बाहर नहीं जाएगा चाइना से, तो अब कैसे चला गया? ऐसे ही रवीश कुमार ने कहा था कि कोरोना वायरस जानलेवा नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस तो जानलेवा निकला, कितने लोगों की जान लेके चला गया कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये कुछ है लोग जो मिल मिलकर ऐसे जो है फेक न्यूज़ बोलते रहते हैं, इनको यही काम है, एक तो मिस गाइड करते हैं अपनी ऑडियंस को, क्योंकि जब इन्होंने बोल दिया कि कोरोना वायरस चाइना तक ही रहेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि भाई हम लोग बहुत ज़्यादा सुरक्षित है और हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग की, हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ का पालन करने की, क्योंकि कोरोना वायरस चाइना तक ही रहेगा। लेकिन कोरोना वायरस तो आ गया भारत में भी, तो ये वाली एक चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा गलत बताते हैं, और ये चीज़ है इनके बारे में कि ये जो है अपनी ऑडियंस को गलत गलत इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। कुछ और बातें हैं यहाँ पर जो मैं इनके बारे में बोलना चाहूँगी, इन्होंने जो है जब ये चुनाव होने वाले थे मोदी जी के, जो ये चुनाव हुए हैं जिसमें मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं, इस वाले चुनाव से एक महीने पहले ही इन्होंने अपने चैनल पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, इस तरीके की वीडियो बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था कि किसी ना किसी तरीके से मोदी के खिलाफ मैं बोलूं और मोदी जीत ना पाए, लेकिन लोगों ने इनको अच्छे से बता दिया कि भाई कौन कैसा है मोदी को जिताकर, क्योंकि मोदी जी ही जीते थे, ठीक है। तो इन्होंने लेकिन पूरी कोशिश करी थी, एक महीने पहले से ये पूरा प्रोपोगंडा अपना चला रहे थे कि मोदी जी ना जीते, मोदी जी हार जाए। तो इन्होंने अपना जो इन्होंने वीडियो बनाया था 5 साल ये मोदी वाले जो इन्होंने अपना वीडियो बनाया था, इसमें इन्होंने मोदी जी को बोला था कि मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं है देश के लिए, लेकिन फिर भी लोगों को पता है कि किसने क्या किया है, मेरे को भी पता है कौन सी पार्टी ने कितने काम किए हैं, मैं किसी के सपोर्ट में किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सबको रियलिटी पता है, अगर रियलिटी नहीं पता होती तो मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनते, ठीक है ना। तो ये जबरदस्ती की बात फैलाने से कोई फायदा होता नहीं है, लोग समझ जाते हैं। और ये यही है कि भाई मेरे को तो लगता है ये जो भी वीडियो बना रहे हैं कि कांग्रेस के साथ देने के लिए और बीजेपी के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पेड वीडियोस होती हैं, इनको पेमेंट मिलती है, लाखों लाखों में इनको पैसे दिए जाते हैं वीडियोस बनाने के, तभी वो वीडियोस बनाते हैं कि मैं इसके खिलाफ और ये मोदी ऐसी मोदी वैसी, तब इन ये जो है वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि एक एक वीडियो का इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, तो इसलिए ये चीज़ करते हैं ये। और बहुत सारे चैनल्स इसके बारे में बोल भी चुके हैं कि ध्रुव राठी को फंडिंग कौन देता है, कहाँ से मिलती है, तो मेरे को आई थिंक इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा कि किसके बारे में बोला गया है इस बारे में। खैर, अभी मैंने आपको बोला था कि ये अपनी वीडियो में कई बार कुछ आंकड़े गलत बताते हैं, जो कि अब जो डेटा देते हैं वो बहुत बार गलत होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो इन्होंने एक वीडियो बनाया था छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक को लेकर, छत्रपति शिवाजी स्मारक जो बनने जा रहा है उसको लेकर जो इन्होंने वीडियो बनाया था, इसमें इन्होंने बताया था कि ये जो स्मारक है इसको बनाने में 3600 करोड़ रुपए लग रहे हैं, 3600 करोड़ रुपए लग रहे हैं, और इन्होंने बोला कि अगर इतने ज़्यादा रुपए लग रहे हैं एक स्मारक को बनाने में, इसका मतलब ये है कि लोगों का पैसा लो और पैसे को पानी में डुबो दो, ये बात इन्होंने बोला कि पैसे को बिल्कुल बेकार कर देना है ये 3600 करोड़ खर्च करना इस चीज़ के ऊपर, लेकिन इन्होंने 3600 करोड़ ही बोला, पूरा रकम इन्होंने 3600 करोड़ बताई, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ये गलत चीज़ बताई है, 3600 करोड़ पूरा नहीं लग रहा है स्मारक को बनाने में, जो स्मारक को बनाने में खर्चा पहले बताया गया था, एस्टिमेटेड जो कॉस्ट था वो बताया गया था कि 3600 करोड़ का होगा, लेकिन अब जो कॉस्ट है वो 2500 करोड़ बताई गई है, 2500 रुपये कह रही हूँ मैं, तो अब जो कॉस्ट बताई गई है वो 2500 करोड़ बताई गई है, यानी कि जो 1000 करोड़ की गिरावट आई है, जो 1000 करोड़ की कमी आई है, इसके बारे में इन्होंने नहीं बोला है, इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि 3600 करोड़ लगे हैं, यानी कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन तो दे ही नहीं रहे, आप तो आधी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जब ये नया जब खर्चा निकल के आ गया है कि आप 2500 करोड़ यहाँ पे लगेंगे पैसे, तो आपने तो पूरी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी,
ठीक है, तो ये एक इनके साथ है और चीज, ये हमेशा ऐसा करते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो स्मारक बन रहा है उस पार्क में आपको गार्डन, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी वगैरह फैसिलिटीज भी मिलेगी, इन्होंने ये भी नहीं बताया, क्योंकि ये बताना चाहते थे कि कॉस्ट कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसलिए ही आधी आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं इनके जो 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है जो इनको देखते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि मेरे भाइयों बहनों, जब भी ये कोई डेटा अपनी वीडियो में देते हैं ना, तो उस डेटा को एक बार रीचेक कर लेना, क्योंकि ये अधिकतर बहुत सारी वीडियो में मैंने देखा है कि ये थोड़ा सा गाइड करते हैं और गलत डेटा देते हैं। तो इनके जो भी ये डेटा देते हैं उनको एक बार दोबारा से रीचेक कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी, कि आंख मूंद के किसी पे भरोसा करना आजकल ठीक नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको ध्रुव राठी के बारे में थोड़ा बताती हूँ। ध्रुव राठी पहले सबसे स्टार्टिंग में ब्लॉग्स बनाते थे, ब्लॉग्स बनाने के बाद इन्होंने एक वीडियो बनाया था बीजेपी के खिलाफ, तब से ये बहुत ज़्यादा फेमस होने शुरू हुए, इनकी वो वीडियो वायरल हुई तो कहीं ना कहीं इनका नाम होता गया, और अब ये हर एक वीडियो में बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो शायद ये इनकी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि जहाँ से मैंने बीजेपी को, जब मैंने बोला था कि बीजेपी ऐसी है वैसी है और तभी से मैं फेमस हुआ हूँ, तो अपनी हर एक वीडियो में बोलता चाहता हूँ कि बीजेपी ऐसी है वैसी है, ताकि मैं और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा फेमस होता जाऊँ। वैसे तो है ऑलरेडी फेमस, लेकिन शायद और ज़्यादा, क्योंकि इंसान को कभी पूरी होती नहीं है उसकी इच्छाएँ, तो और ज़्यादा करने के लिए और ज़्यादा मोदी के खिलाफ वीडियो बनाते रहते, ये इनकी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। ठीक है, अपने लोगों को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है वो चीज इनको बहुत अच्छे से पता है, और हमेशा बीजेपी के विपक्ष में बोलते हैं। और जो आम आदमी पार्टी है, इन्होंने एक बात बोली थी, मैं आपको बताना चाहूंगी, इन्होंने एक बात बोली थी, इन्होंने बोला था कि शिवसेना कांग्रेस और शिवसेना कांग्रेस वगैरह को लेके इन्होंने बोला था कि अगर ये गठबंधन करते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेचुरल होगी, लेकिन अगर सिंधिया बीजेपी में चले जाते हैं तो वो पैसों के लिए और नाम के लिए जा रहे हैं। तो भाई आप क्यों वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर, अगर आप भी पैसों के लिए बना रहे हैं, ऐसा नहीं है तो अपना एडसेंस आपने क्यों अनेबल कर रखा है, नहीं करते अनेबल, इतने सारे जो ऐड लगाते हैं लंबी लंबी वीडियो में, मत लगाओ वो ऐड, आप भी तो पैसों के लिए कर रहे हैं ना, तो आपने दूसरों को क्यों बोला, आपने उनके खिलाफ बोला कि वो पैसे के लिए बीजेपी में जाएंगे और किसी और चीज़ के लिए जाएंगे, तो आप भी तो वही करने के लिए यूट्यूब पर आए ना। तो इस तरीके की बातें ये बोलते रहते हैं, इनकी आदत है, और इन्होंने खुद तो कुछ बोला नहीं है सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, लेकिन जो बोलते हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं टारगेट करते रहते हैं। जैसे अगर कंगना रनौत ने बोला है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ बोला है कि उनको इंसाफ दो, तो ये कहीं ना कहीं कंगना के भी खिलाफ हो गए हैं, अपनी वीडियोज़ के माध्यम से उसके खिलाफ बातें करते रहते हैं। तो ये चीज़ है भाई, वैसे भी उनको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कंगना रनौत के बारे में बहुत बातें होती हैं, लेकिन रियलिटी सबको पता है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, तो कोई फर्क किसी को पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। जैसे चुनाव से पहले भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को हरवा दूं, किसी उनके खिलाफ बातें करके, लेकिन जो जीतना था वो जीता, बीजेपी जीता, मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इनके बोलने से कि मोदी कुछ करते नहीं है, बीजेपी कुछ करती नहीं है, ऐसी है वैसी है, कुछ होता नहीं है, और वो बात अब बहुत अच्छे तरीके से साबित हो चुकी है, तो आई थिंक और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी हमें नहीं है। ठीक है, तो यही कुछ मेरे पॉइंट्स थे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इनके खिलाफ बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा मतलब कुछ मेरी दुश्मनी है कट्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी मेहनत करके डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अधिकतर जो इनकी बातें होती है वो फॉल्स होती हैं, फॉल्स न्यूज़ देते हैं, फेक न्यूज़ देते हैं, और ये इनके बारे में रियलिटी है, मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया है और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, जो इंसान ऐसे बोल सकता है कि कोरोना वायरस सिर्फ चाइना में ही रहेगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो भाई उनके बारे में तो क्या ही विश्वास किया जाए, मुझे नहीं पता है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके अलावा कोई डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए, थैंक यू सो मच।